आप शाहरुख और सलमान, आप लोगों ने तकरीबन 2.5 दशक तक बॉलीवुड पर रूल किया है। जब भी कोई फिल्म आती है तो नो डाउट 3-4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर देती है। बट हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सलमान की ट्यूबलाइट या फिर शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, वो आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी। क्या कह सकते हैं आप बॉलीवुड का ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ज़्यादा देख रहे हैं ना कि स्टार स्टडेड फिल्म्स? ट्रेंड चेंज हो गया है थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा। आई थिंक ये हर क्रिएटिव इंसान के ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए। कभी कभी हम कामयाब होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो उससे हमको मतलब वी शुड नॉट गेट फेज्ड बाय दैट, वी शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट वी बिलीव इन। एंड आई थिंक कि जब भी आप स्टार्स का नाम लेते हैं, आप सिर्फ तीनों का नाम लेते हैं, ये सही नहीं है। आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। अक्षय की अभी फिल्म आई है टॉयलेट, जो बहुत अच्छी जा रही है, एंड पीपल लव हिज वर्क। सो यू नो देयर आर ऑल ऑफ अस आर देयर, वी आर ऑल ट्राइंग टू डू गुड वर्क। समटाइम्स वी सक्सीड, समटाइम्स वी डोंट। आई डोंट थिंक दैट शुड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन द इमीडिएट स्टारडम यू नो ऑफ अ पर्सन।